एवरीबॉडी इट्स सोथन वी आर बैक विद अ न्यू ब्रांड वीडियो। सो गाइस आज का जो टॉपिक है हाउ यू कैन लुक स्टाइलिश एंड कूल एंड डैशिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो गाइस लेट्स बिगिन आवर दिस वीडियो। तो गाइस ऐसा होता है कि हम जब भी क्लॉथ वेयर करते हैं, कुछ भी वेयर करते हैं, तो हमको अनकंफर्टेबल लगता है, कि ऐसा लगता है कि कुछ तो हम मिसिंग कर रहे हैं। तो मेक श्योर आज मैं जो जो पॉइंट्स बोलूंगा वो उसको फॉलो करना, इससे आपको कॉन्फिडेंट आएगा और आपको लगेगा कि ये सही है और ये सही है या ये गलत है। मेक श्योर दैट लेट्स बिगिन आवर दिस वीडियो हाउ यू कैन लुक परफेक्ट एंड स्टाइलिश। लेट्स बिगिन। फर्स्ट का जो टॉपिक है हमारा शोल्डर, और शोल्डर में मतलब आप सोच रहे हो कि ये शोल्डर क्यों बोल रहे। तो गाइस होता ऐसा है कि टी शर्ट शर्ट ओडीज जैकेट शोल्डर के हिसाब से देख के हमको बाय करना चाहिए, जैसे कि XL XL डबल XL, तो वो देख के हमको देखना चाहिए कि हमारे बॉडी के लिए हमारे शोल्डर को कौन सा वाला परफेक्ट हमको बैठ सकता है। तो उससे क्या होता है, यू विल बी द कॉन्फिडेंट। होता है कि हम जब भी कुछ भी बाय कर लेते हैं तो वो ऐसे ही बाय कर लेते हैं क्योंकि उसका डिजाइन बहुत अच्छा होता है, या टी शर्ट का कलर अच्छा रहता है, या शर्ट का डिजाइन अच्छा होता है, तो हम इसलिए बाय कर लेते हैं। बट उसका जो साइज रहता है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो तब का मैटर में हमको क्या होता है कि आप जब भी कुछ भी बाय करो आपका जो शोल्डर है उसके हिसाब से देख के बाय करो, क्योंकि मेन जो चीज है आपका शोल्डर प्रॉपर रहेगा तो आपका जो शर्ट टी शर्ट हुडी या जैकेट है वो बहुत ही परफेक्ट बैठेगी। तो वो उसके हिसाब से आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन्वेस्ट इन वॉचेस। तो गाइस हमको क्या करना चाहिए वॉचेस के पीछे। हाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे वॉच क्यों चाहिए हमको, वॉच की जरूरत ही क्या है, हमारे पास तो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में देखेंगे, हमारे पास फोन है तो हम उसमें ही देखेंगे ना, तो वॉच की घंटा। तो वॉच हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस लाता है, जैसे कि आप ड्रेसअप कर रहे हो तो तभी भी आपको वॉच आप अच्छी वेयर कर रहे हो तो आपका जो ध्यान है ज्यादातर फोन के ऊपर नहीं जाएगा। जब भी आपको टाइम देखना हो तो आप डायरेक्टली वॉच ओपन करके देख सकते हो। तो उसमें भी बहुत सारी वॉचेस में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, तो मेक श्योर कि आप बहुत ही अच्छा वाला कलेक्शन आपके पास रखोगे। तो ऐसा नहीं कि एक ही वॉच हम हर बार पहन के जाएंगे, इट विल लुक ऑड, इट विल लुक नॉट लुक कूल मैन, इट विल लुक ऑड। कॉन्फिडेंट लेवल, उससे जो आपका कॉन्फिडेंट लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो मेक श्योर कि आपके पास अलग अलग वॉचेस होनी चाहिए। तो फ्लिपकार्ट अमेजोन में काफ़ी सारे वॉचेस है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। आई डोंट पुट लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन कि आप वहाँ से बाय करो, यहाँ से आपके पास भी माइंड है आप जाके वॉचेस बाय करके आप कलेक्शन अच्छा से रख सकते हो फॉर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन फॉर डिफरेंट डिफरेंट वॉच। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जीन्स के ऊपर, तो हमको नॉर्मली जो है वो हम कौन सी भी जीन्स पहन के हम कहीं पर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, उसका भी एक सिस्टम होता है, सिस्टम से हमको समझाएंगे तुम। तो ऐसा नहीं कि हम वेडिंग में जीन्स पहन के जाएंगे, पार्टी में हम नॉर्मल जीन्स पहन के जाएंगे, पूरी स्क्रैचेस वाली जीन्स पहन के जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि आप जब भी कहीं पर भी जा रहे हो तो पहले मेक श्योर कि मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ नॉर्मल पैचेस वाली, या वेडिंग के लिए जा रहा हूँ फॉर्मल स्टाइल के चलेंगे, जीन्स नहीं फॉर्मल स्टाइल के चलेंगे, या कहीं मैं शूट के लिए जा रहा हूँ तो फुल स्टाइलिश और पैचेस या कुछ भी ऐसा कि डिफरेंट लुक्स दिखे पिक्स में। तो ऐसा होता है, वैसा वाला नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। तो मेक श्योर कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जीन्स है इस दुनिया में, तो आप काफ़ी सारा कलेक्शन करके आपके पास रख सकते हो, जैसे कि नॉर्मल जीन्स भी है और पैचेस वाले जीन्स भी है और स्टिकर्स वाले भी जीन्स है। तो मेक श्योर आपके पास अच्छा सा कलेक्शन होगा तो आप वो बाय करके आप अपने पास रख सकते हो ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो उससे क्या होता है कि आपका जो स्टाइल है वो स्टाइल नहीं बहुत गुड लुकिंग ट्रेंड बन जाए। गाइस नेक्स्ट आवर टॉपिक इज स्पेंड सम मनी ऑन शूज। तो गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
कुछ भी उठा लेके आ जाते हैं, रेलवे स्टेशन से या फुटपाथ से कुछ भी उठा के लेके आ जाते। बट ऐसा नहीं चलेगा डूड, क्योंकि जब भी आप मतलब अच्छा टी शर्ट या शर्ट पहन लिया, अच्छा जीन्स पहन लिया और अच्छा सा वॉच टाल लिया, पर आपके पास अगर शूज अच्छा वाला नहीं है तो उसका क्या आचार डालोगे क्या? तो वैसा वाला सीन नहीं चलेगा। आपको अच्छे से शूज का कलेक्शन आपके पास होनी चाहिए। और एक बार आप सोच रहे होंगे कि मैं वॉच क्यों नहीं डाला, तो बोल तो रहा हूँ डाला क्यों नहीं, तो डूड आई एम मेकिंग वीडियो, तो मैं कहीं भी बाहर नहीं जा रहा हूँ या कहीं भी आउटसाइड या किसी भी बाहर नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने भी वॉच नहीं डाली। बट मैं डेफिनेटली आउटसाइड जब भी जाता हूँ तो वॉचेस का अच्छा वाला मैं लुक और मेंटेन करता हूँ। वैसे शूज के ऊपर हमारी बात चल रही थी, तो हमको शूज कैसे टाइप के हमको बाय करने चाहिए क्या कैसे नहीं, तो गाइस काफी सारे स्नीकर्स है और काफी सारे शूज का कलेक्शन है। मेक श्योर कि ऐसे वैसे शूज आप बाय मत करो, बाय ऐसे शूज करो जो ब्रांडेड हो और अच्छे से, मतलब कुछ शूज ऐसे होते हैं कि कुछ दिनों के बाद, वन वीक के बाद उसका सोल चला जाता है या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है या उसका कलर उड़ जाता है, ऐसा वाला मतलब ऐसे शूज बाय मत करो। एक बार अगर आप शूज लेते हो तो एटलीस्ट एक मंथ चलना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट शूज का कलेक्शन हो जाएगा, तो आप कहीं पर भी जा रहे हो तो ब्लैक या ग्रे या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए या डिफरेंट डिफरेंट आपके डेली लाइफ के लिए डिफरेंट शूज यूज कर सकते हो। मेक श्योर दिस अप्लाई ऑल माई पॉइंट्स ऑन योर डेली लाइफ और यू कैन अप्लाई माई ऑल पॉइंट्स, तो उससे क्या होगा आप डिफरेंट बनोगे, क्योंकि भीड़ का हिस्सा हमको नहीं बनेगा, हमको ही नहीं भीड़ का हिस्सा, हम आज भी नहीं बनेंगे, कल भी नहीं बनेंगे और मरते दम तक। गाइस यू हैव लिसन माई वर्ड्स, यू कैन अप्लाई फॉर योर डेली लाइफ, आप डेली लाइफ में अप्लाई करो, आप देख सकते हो चेंज हो रहे हैं। तो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डू मेक सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग, सो बाय गाइस।